आज हमारी इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है। इनके बाप दादा आज से कई सौ साल पहले हमें भी मिटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। और कई बार हालात भी हमें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहा। आप जरा यह सोचे कि अगर दारा सिकोह या शाह सुजा बादशाह बन जाता तो क्या औरंगजेब आलमगीर जैसा कोई बादशाह इस दुनिया में होता। हाँ, यह जरूर कहा जाता कि शाहजहां का एक बेटा औरंगजेब भी था। एक बार एक पागल हाथी हमारे सामने खड़ा था, अगर हम उसे ना मारते तो वह हमें मार देता, तो शायद इसके बाद भी कोई औरंगजेब बादशाह ना होता। लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं मलिक उल हिंद सुल्तान उल हिंद बादशाह औरंगजेब आलमगीर हूँ। हमारी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार तक हमारी सरहदें फैली हुई थी। कुछ लोग आज अखंड भारत की ख्वाब देख रहे हैं, हमारी सल्तनत ही अखंड भारत था। सल्तनत हिंदुस्तान का तख्तो ताज हमारा था। आज की इस वीडियो में हम सुनाएंगे अपनी ही कहानी अपनी ही जुबानी। औलिया टीवी की तरफ से बनाया गया AI वीडियो है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। गालिब ये शेर लिख गए बादशाह जफर के काल में। पढ़ा जाता है आज, लेकिन मौजू होता है जफर के पुरखों पर, सब पर नहीं, सिर्फ आलमगीर औरंगजेब पर। कैसे कि औरंगजेब पर एक सवाल आज भी सुपर हिट है। अगर औरंगजेब के बदले दारा शिकोह बादशाह बनता तो क्या होता। इस सवाल का जवाब तो शायद साइंस फिक्शन ही दे पाए, टाइम ट्रैवल नुमा कोई थ्योरी देकर। इतिहास तो सिर्फ इतना ही जवाब दे सकता है कि औरंगजेब बादशाह बने कैसे। सवाल शायद बोरिंग है, लेकिन जवाब नहीं। आप भी शायद कहें कि कैसे बना, क्या दारा शिकोह को हरा के बना। लेकिन ये जवाब सही तो है, लेकिन है अधूरा। काहे कि शाहजहां की गद्दी के सिर्फ दो हकदार नहीं थे, दावा चार भाइयों के बीच था। सबसे बड़ा और बादशाह का सबसे दुलारा दारा शिकोह, फिर शाह शुजा, फिर औरंगजेब और सबसे छोटा शहजादा मुराद बख्श। दारा शिकोह से औरंगजेब की लड़ाई सबसे फेमस है, लाजमी भी है, चूंकि दारा शिकोह के पास ज्यादा ताकतवर सेना थी। लेकिन फिर भी आलमगीर उसे हराने में सफल हो गया। एक और जंग हुई थी, आमने सामने थे दिल्ली तख्त के दो हकदार, लेकिन इस जंग में पासे उल्टे पड़े थे। औरंगजेब के पास दिल्ली की सेना थी, जबकि दूसरी तरफ इसकी सिर्फ एक चौथाई सेना। आम समझ यही बनती है कि औरंगजेब को आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन जंग और आसानी ये दो शब्द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जंग की शुरुआत से ही औरंगजेब को एक बड़ा झटका लगा। एक पुरानी रंजिश के चलते उसका एक सिपाह सलाहकार उसे बीच मैदान में छोड़कर चलता बना। जंग शुरू हुई तो एक पागल हाथी से पाला पड़ा जिसने लगभग औरंगजेब को मार ही डाला था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि औरंगजेब के दुश्मन ने ठीक वही गलती कर दी जो दारा शिकोह ने की थी। क्या थी ये जंग, कैसे बने थे इसके हालात, मैदान में क्या तरकीबें चली गई और कैसे हुआ जीत और हार का फैसला, आइए जानते हैं। औरंगजेब का खत। मई 1658 में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई शाह शुजा को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने उसे बिहार की सूबेदारी सौंपते हुए संधि की बात कही। लिखा कि एक सच्चे भाई के तरह मैं तुम्हें जमीन और दौलत किसी की कमी नहीं होने दूंगा। चिट्ठी मिली तो शाह शुजा ने सधन्यवाद लिखते हुए चिट्ठी का जवाब भेजा और जंग की तैयारी में जुट गया। शाहजहां के चार बेटों में शाह शुजा दूसरे नंबर पर था। उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था और जैसे ही उसे मालूम चला कि शाहजहां अपने अंतिम दिन गिन रहा है, उसने बादशाह बनने की तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल उस छात्र की तरह जो इम्तिहान से पहले कलमदवात रख लेता है और जब उससे पूछा जाता है हो गई तैयारी, तो जवाब देता है सिर्फ एक चीज बची है, पढ़ाई। शाह शुजा का भी यही हाल था। उसने खुद को बादशाह घोषित करते हुए खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवा दिए। सिर्फ एक चीज बची थी, अपने तीन भाइयों से लड़ाई में जीत हासिल करना। पहली लड़ाई में ही उसे मुंह की खानी पड़ी। बनारस के नजदीक बहादुरपुर में उसके और दारा शिकोह के बीच पहली लड़ाई हुई जिसमें शिकस्त मिली और उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन दारा ने संधि करते हुए उसे बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर बना दिया। इसके बाद औरंगजेब की दारा के साथ दो जंग हुई। पहली जंग धर्मतपुर में हुई और दूसरी जंग हुई समुगढ़ में। यहाँ पढ़े कैदी शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब का गिफ्ट खोलते ही बेसुध क्यों हो गया। यहाँ पढ़े औरंगजेब ने जहर बुझी पोशाक से राजपूत शहजादे को मरवा डाला। इन दोनों जंगों में दारा को हार मिली। औरंगजेब आगरे के तख्त पर काबिज हो गया। जंग में हार कर दारा अपने परिवार सहित लाहौर की तरफ भाग गया। औरंगजेब उसका नामो निशान मिटा देना चाहता था, इसलिए उसने भी लाहौर की ओर कूच किया। लाहौर कूच के दौरान ही उसने शाह शुजा को वो खत लिखा जिसके बारे में हमने पहले बताया था। खत लिखने का कारण ये था कि औरंगजेब नहीं चाहता था कि वो लाहौर में रहे और बंगाल से शुजा हमला कर दे। शुजा भी सुजान था।
उसने आलमगीर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया। उसे मुराद के साथ हुए सुलूक का एहसास था। मुराद ने तख्त पर काबिज होने के लिए औरंगजेब का साथ दिया था, लेकिन फिर औरंगजेब ने उसे ही कैद कर मरवा डाला। औरंगजेब का खत मिलते ही शुजा ने बंगाल में जंग की तैयारी शुरू कर दी। ध्यान रखिए, ये सब 1658 मई महीने के आसपास हो रहा था। शुजा को लगा, भैया गए परदेश तो फिर डर काहे का, औरंगजेब लाहौर में था। आगरा में सल्तनत खाली थी। शुजा को लगा, चलो खालीपन भर दिया जाए। और अक्टूबर 1658 में उसने इलाहाबाद पर चढ़ाई कर दी। किस्मत अच्छी थी, दारा ने जाते जाते शुजा को एक भेंट दी थी। उसने पूर्व में अपने किलों के सरदारों को बोला था, शुजा आए तो स्वागत करना, कि वो नहीं चाहता था पूर्व में ये सब किले औरंगजेब के हत्थे चढ़ जाएं। खजवा की जंग में कम सेना होने के बावजूद शाह शुजा ने औरंगजेब को हार के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। कुछ ही दिनों में शुजा ने रोहतास, चुनार और बनारस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उत्तर में जौनपुर को भी कब्जे में ले लिया। आगे बढ़ते हुए 23 दिसंबर 1658 को शाह शुजा इलाहाबाद पहुंचा। यही मोमेंटम जारी रखते हुए अगर शुजा आगरे पर चढ़ाई करता तो बहुत मुमकिन है उसे कुछ सफलता मिल जाती। लेकिन शुजा की कमी गिनाते हुए इतिहासकार यदुनाथ सरकार अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं, शाह शुजा एक होशियार शासक था। उसका अच्छी चीजों का शौक था, लेकिन आराम पसंदी और अय्याशी ने उसे कमजोर बना दिया था। बंगाल का शासन करना आसान था, इसलिए उसने कभी किसी बड़ी लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लिया था। वो कमजोर, अकर्मण्य, लापरवाह और कठिन परिश्रम करने में असमर्थ था। 30 दिसंबर के रोज शाह शुजा अपनी सेना को लेकर खजवा पहुंचा। खजवा आज के फतेहपुर जिले में पड़ता है। यहां उसका सामना हुआ औरंगजेब के बेटे सुल्तान मुहम्मद से। सुल्तान मुहम्मद खजवा में क्या कर रहा था, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। जुलाई 1658 में जब औरंगजेब लाहौर में था, उसने शुजा को संधि का खत तो भेज दिया था, लेकिन साथ ही बंगाल में अपने गुप्तचर भी छोड़ रखे थे ताकि हालात की पूरी खबर रख सके। पहले दारा को निपटाया जाए। शुजा का बनारस और इलाहाबाद पर कब्जा, इसकी पूरी खबर उसे थी, लेकिन वो शुजा को नाकारा और निकम्मा समझता था। इसलिए उसने सोचा, पहले दारा को निपटाया जाए, फिर शुजा की सुध लेंगे। सितंबर 1658 तक उसके हाथ दारा नहीं लग पाया। इसी बीच उसे इलाहाबाद पर कब्जे की खबर लगी तो उसने सोचा, अब शुजा को इग्नोर करना ठीक ना होगा। उसने दारा को पकड़ने की जिम्मेदारी अपने सरदारों को सौंप कर बंगाल का रुख किया। 30 सितंबर को औरंगजेब मुल्तान से रवाना हुआ। वक्त कम था, इसलिए उसने अपने साथ सिर्फ कुछ घुड़सवार रखे। एक दिन में दो दौर का सफर किया। 20 नवंबर को वो दिल्ली पहुंच गया और 23 तारीख को उसने सुल्तान मुहम्मद के साथ एक सेना को बंगाल की ओर रवाना किया ताकि शुजा को रास्ते में रोका जाए। शुजा के हाथ से मौका छिटक गया था। औरंगजेब को लगा किसी भी समझदार आदमी की तरह शुजा अब पीछे हट जाएगा। बंगाल जाने के बजाय उसने सोरों का रुख किया, आज का कासगंज जिला, और वहां शिकार में लगा रहा। दूसरी तरफ शुजा ने अपना कैंपेन जारी रखा। उसकी स्थिति अब मजबूत नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी उसने चढ़ाई जारी रखी। काहे कि सामने कोई और होता तो शायद शुजा पीछे हट जाता, लेकिन अपने ही छोटे भाई के सामने वो पीछे हट जाए, ये उसे हरगिज मंजूर न था। 21 दिसंबर के रोज औरंगजेब सोरों से निकला। साथ ही सुल्तान मुहम्मद को खबर भिजवाई कि अभी कुछ न करे, उसके पहुंचने का इंतजार करे। 2 जनवरी 1669 को खजवा में औरंगजेब और सुल्तान मुहम्मद की फौजें इकट्ठा हुई, शुजा से 8 मील दूर। इसी बीच मीर जुमला भी दक्कन से पहुंचा और अपनी फौज सहित औरंगजेब की सेना में शामिल हो गया। 3 जनवरी के रोज दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी पोजीशन ली। 4 जनवरी तड़के ढोल नगाड़ों के साथ आदेश जारी हुआ कि युद्ध होगा। जंग में क्या हुआ, ये जानने से पहले सेना का फॉर्मेशन देख लेते हैं। औरंगजेब के लिखित इतिहास आलमगीरनामा के हिसाब से औरंगजेब की सेना को अलग अलग डिवीजन में बांटा गया था। हर डिवीजन के आगे हाथी और बंदूकें तैनात थी और पीछे 70,000 बख्तरबंद घुड़सवार। 4 जनवरी सुबह 8 बजे औरंगजेब अपने शाही हाथी में सवार होकर सेना का मुआयना करने पहुंचा। शाही सेना ने मूवमेंट शुरू किया और 3 बजे तक वो शुजा की सेना से सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे। 4 जनवरी की शाम तक कुछ खास लड़ाई नहीं हुई। मीर जुमला ने इस दौरान दुश्मन सेना के नजदीक एक ऊंची जगह पर पोजीशन ले ली और 40 बंदूकें दुश्मन की ओर माउंट कर दी। अगली सुबह भारी जंग होने वाली थी। औरंगजेब ने सेना को निर्देश दिया कि वो अपना बख्तर न उतारें। घोड़ों से जीन भी नहीं उतारी गई। सैनिक अपनी पोस्ट पर ही सो गए। औरंगजेब ने भी जंग के मैदान में एक टेंट लगाया और वहीं सो गया। उसके जनरल बाहर पहरा देते रहे। रात को अचानक सेना में भगदड़ मची।
लगा कि शुजा ने हमला कर दिया है। सैनिक उठे और उन्होंने अपना सामान घोड़ों पर लाद दिया। तभी सामने से कुछ घुड़सवार आए और इन घोड़ों को अपने साथ लेकर भागते बने। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, आखिर किसने अचानक हमला कर दिया, जिसकी खबर भी न लगी। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह का धर्मतपुर में हुई जंग में राजा जसवंत सिंह को औरंगजेब के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था और वो शाह शुजा से जंग करने के लिए अपने 14,000 सैनिकों सहित पहुँचे थे, लेकिन ऐन मौके पे उन्होंने आलमगीर का साथ छोड़ दिया। यदुनाथ सरकार अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का ब्यौरा देते हैं। राजा जसवंत सिंह से शाह शुजा को रात में एक संदेश भिजवाया। मजमून कुछ यूं था कि मैं पीछे से शाही सेना पर हमला करूंगा। मजबूरी में औरंगजेब को सेना सहित पीछे का रुख करना पड़ेगा। मौका पाकर तुम आगे से हमला कर देना। शुजा को संदेश पहुंचा। ये खबर भी लगी कि शाही सेना में भगदड़ मच गई है, लेकिन शुजा के सैनिक अपने स्थान पर जमे रहे। यहाँ शुजा के हाथ से बहुत बड़ा मौका चूक गया। उसकी सेना सिर्फ 24,000 की थी और शाही सेना 90,000। अगर इस मौका का फायदा उठाते हुए शुजा हमला कर देता तो मुमकिन था कि उसे फायदा मिलता, लेकिन शुजा मौके का फायदा तो तब उठाता जब उसे ये मौका लगता। उसे इसमें साजिश की बू आई। उसे लगा जसवंत सिंह और औरंगजेब मिलकर कोई नाटक खेल रहे हैं ताकि शुजा हमला करे और उसे वहीं धर लिया जाए। दूसरी तरह औरंगजेब अपने टेंट में सजदे में था। जब सैनिकों ने उसे ये खबर दी, उसने बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया, मानो कह रहा हो जसवंत सिंह जाता है तो चला जाए। राजा जसवंत सिंह अपने साथ 14,000 राजपूत सैनिकों को लेकर मैदान से पीछे हट गए। साथ ही और कई सिपाही मैदान छोड़ गए या शुजा के साथ शामिल हो गए। औरंगजेब की ताकत आधी हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसके पास राजा जय सिंह की सेना और मीर जुमला थे। सेना भी शुजा से लगभग 2.5 गुनी यानी 60,000 के आसपास थी। सुबह उठकर वो अपने हाथी पर बैठा और ऐलान किया, ये खुदा का दिया मौका है। अच्छा हुआ काफिर जंग से पहले ही हमें छोड़कर चले गए। अगर बीच जंग में दगा दी होती तो और भी नुकसान होता। ये खुदा के फजल से हुआ है, हमारी जीत पक्की है। आज ही के दिन यानी 5 जनवरी 1659 को सुबह 8 बजे जंग की शुरुआत हुई। उसने 10,000 सैनिकों की डिवीजन बनाते हुए सेना को आगे बढ़ाया। आगे हाजा की एक डिवीजन शाही सेना की डिवीजन से सिर्फ एक तिहाई रह जाती और शाही डिवीजन अपने आकार के चलते शुजा की डिवीजन को हड़प जाती। उसने अलग फॉर्मेशन चुना, सबसे आगे आर्टिलरी और पीछे एक सीध में पूरी सेना। सेम ऐसा ही फॉर्मेशन दाएं और बाएं तरफ। रिजर्व में 2,000 सैनिक रखे गए जो मौका देखकर बाईं या दाईं ओर से जुड़ते। 8 बजते ही दोनों ओर से तोपें दागी गई, जिसे बाद बंदूकें चलना शुरू हो गई। शुजा के बाएं फ्लैंक मूव काम आया, औरंगजेब का बाया फ्लैंक टूट गया। जसवंत सिंह आगरा पहुँचे तो वहाँ भी ये अफवाह फैल गई कि औरंगजेब हार गया है। सेना में भगदड़ मच गई। शुजा की सेना ने बाएं फ्लैंक को गिरा दिया था। इसके बाद उन्होंने सेंटर की ओर में सरदारों ने शुजा के हाथी के पैरों में निशाना लगाया और उसके महावत को भी मार गिराया। इस बीच शुजा की फौज ने दाएं फ्लैंक पर हमला किया। शाह शुजा बंगाल लौट गया।